तो कैसे आप लोग, मैं अब दुकान अपनी जो शॉपिंग सेंटर की है बंद करके जा रहा हूँ घर। और आज मैं आपको ऐसी खुशखबरी देने वाला हूँ, आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। काफ़ी दिनों से आपको इंतज़ार था कि दुबई का टूरिस्ट वीज़ा कब मिलेगा। 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 15th of July। सो कहने का मतलब ये 16 जुलाई से आप उड़ सकते हैं मिस दुबई के लिए। एक्चुअली इंडिया से 10 कंट्रीज और भी हैं, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के लोगों के लिए शायद दुबई भी है, सऊदी अरब है, आइसलैंड है, कुछ और भी कंट्री है, क्रोशिया है, लेकिन जो मोस्ट फेवरेबल डिजन है शायद है दुबई। शायद आपकी भी ड्रीम कंट्री स्टार्टिंग लेवल पर हो सकती है कि दुबई में काम करना भी। सो दुबई ने जो है टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा दोनों हो स्टार्ट कर दिए हैं। सो बने रहिए इस पूरी वीडियो को, मिलते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। डोंट स्किप वन पॉइंट ऑल्सो। सो ओके, कंटिन्यू दिस ब्लॉग। मेरे शॉपिंग सेंटर में ना शॉप एंड शेप का ना ये ऑफर आया हुआ है, देख लो क्या है। इसके बारे में बता देता हूँ, ये जो है ना 8 to 10 बजे तक 25 जुलाई को जो यहाँ सिंगापुर के वाउचर्स मीन जिस शॉपिंग सेंटर जो भी इतना बड़ी सामान ये भी दुकानें हैं ना जो यहाँ से $25 से $30 का आप लोगे तो यहाँ जाके कुछ एक्सचेंज करा सकते हैं और आपको थोड़ा प्राइस मिलेगा उस चीज़ का जो भी लकी ड्रॉ पार्टिसिपेट। सो कहने का मतलब ये है, ये अंडर द HDB के अंदर आता है। सो हाउसिंग डेवलपिंग बोर्ड जो सिंगापुर की है, तो जितनी भी दुकानें बनी हुई यहाँ से आप कुछ भी खरीदेंगे $25-30 का, तो रिसिप्ट लेके यहाँ से कुछ आपको लकी ड्रॉ मिलेगा। दुबई ने जो वीज़ा स्टार्ट करा है फॉर इंडियंस के लिए, वो है उसकी ड्यूरेशन है 14 डेज की होगी, और 2 दिन का जो प्रोसेसिंग टाइम होगा। जो इसकी फ़ीस जो है दुबई में 550 dirham है, इसकी जो प्लस इंश्योरेंस भी शायद उसमें इंक्लूड है। सो आपको पता लगेगा 550 dirham में आपको टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा मिलेगा, 14 डेज सिंगल एंट्री, और जो उसकी वैलिडिटी होगी वो है 60 डेज। सो 60 दिन का आपका 2 महीने का वीज़ा होगा, आप 14 डेज सिंगल एंट्री में रह सकते हैं। ये तो है। अब मैं आपको टिकट के रेट्स बताता हूँ कि आपके टिकट के रेट्स कितने होंगे, उसमें पूरी पूरी एयरलाइंस है, कौन कौन सी एयरलाइंस जाए जो चल रही है ना एयरलाइंस, कौन कौन सी एयरलाइंस है, क्या उसका प्राइस है। तो बने रहिए, मैं घर पर जाके इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। मैं अभी रास्ते में ही हूँ, वैसे मैंने बता दिया था। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है यार, कल खाली मत बैठो, अब दुबई की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो दुबई निकलो, टूरिस्ट वीज़ा पर निकलो, बिजनेस वीज़ा पर निकलो। टूरिस्ट वीज़ा से भी वर्क परमिट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर भी जाके आप कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो। क्योंकि देखो हर किसी का भी ड्रीम, लेकिन कभी खाली मत बैठो यार, कहने का मतलब ये है। तो दुबई का जो स्टार्ट कर दे, इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ग्रैब कर लो। मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी जो टिकट $550 ही लगेंगे, जो दिरहम है टूरिस्ट वीज़ा के लिए और बिजनेस वीज़ा के लिए। अब जो प्रोसेस 2 या 4 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सो आप 15 या 16 जुलाई से उड़ सकते हैं। वहाँ जाके जो भी पर्पज़ है, बिजनेस पर्पज़ है, एक अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी सस्ती से सस्ती टिकट्स भी हैं, महंगी से भी है, सारा बता दूंगा घर पर जाके, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते रहो इस ब्लॉग को, और हाँ वो टिकट्स घर पर जाके बता दूंगा। अभी मेरे से 2-3 क्वेरीज और मेरे कमेंट्स पर आई थी कि सर TEP क्या होता है, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पास होता है यार। देखो कोई भी कंट्री जाने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर एक्सपीरियंस सिंगापुर का नहीं मिल पा रहा है, तो एक और अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप काम भी कर सकते हैं और एक अपने एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं और कुछ कमा भी सकते हैं। सो ये होता है TEP वीज़ा, टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास, 4 महीने का होता है, होटल्स में होता है, रेस्टोरेंट्स में होता है, IT इंडस्ट्री में भी, हर किसी सेक्टर में TEP होता है। बस आपकी डिग्री उसी के रिलेटेड होनी चाहिए जिसने आपने पढ़ाई करी। अगर आप होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट हैं तो आपको होटल रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, अगर आप बैंकिंग में हैं तो फिनांस के किसी इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, अगर आप IT में हैं तो IT के रिलेटेड कोई ऐसी कोई कंपनी में TEP मिल जाएगा, एक अच्छा एक्सपोज़र है। उसकी कंडीशंस क्या है, 4 महीने का होता है। अगर एजेंट फीस की भी बात करें तो शायद 1.5 लाख रुपये कुछ करीब ऐसे ही फीस है। अब वो चलेगा कब, लगेगा कब, ये सब सिंगापुर थोड़े दिनों बाद चालू कर देगा, लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी था।
और हाँ, किसी ने ये पूछा था कि स्टडी वीज़ा के बाद, 3 साल का स्टडी वीज़ा है, उसके बाद कंप्लीट करना है मुझे वर्क परमिट में। यार 3 साल स्टडी करने के बाद आपको वर्क परमिट या एस पास मिल जाएगा। आपको एजेंसीज़ वगैरह किसी से कॉन्टैक्ट करते रहो जो भी यहाँ। देखो एक और मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, अगर आप स्टडी वीज़ा पर यहाँ हो, यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉरेनर्स मिलेंगे जो काम कर रहे हैं, आप उनसे धीरे धीरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंपनी में जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अगर जो स्टडी वीज़ा पर यहाँ है, मेरे हिसाब से उसके लिए जॉब के लिए तो कोई शायद दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ आपको 2-3 महीने पहले सर्च करना पड़ेगा। उससे पहले क्या तरीका है, अगर आप यहाँ काम स्टडी वीज़ा पर कर रहे हैं 1 साल के, तो यार 1 साल में आप घूमने जाते हो बाहर, बहुत सारे फॉरेनर्स आपको मिलेंगे, आप उनसे बात कर सकते हो। यार कि पीछे उस दिन मैंने इंजेक्शन लगाया था ना, वो वाला कोविड सेंटर है। तो यही था यार बताना। तो अभी मैं घर पर जाके कंटिन्यू करता हूँ इस ब्लॉग को, क्योंकि दुबई के लिए आपको फ़्लाइट की प्राइस बताने हैं, पूरी बतानी है। तो TEP आपको बता ही दिया, स्टडी वीज़ा पर बता दिया। आप जो स्टडी वीज़ा पर यहाँ आके घूमो फिरो, पता करो, जो इतने भी फॉरेनर्स हैं उनसे बात करो, ऐसे अपनी जो दिल की बात उन्हें बताओ, वो शायद कोई ना कोई रास्ता बता देंगे, क्योंकि वो भी काम करने के लिए आए हुए हैं, तो वो भी किसी तरह से आए होंगे, वो आपको कुछ ना कुछ वो बताएंगे। सो घर पर जाके मिलते हैं यार, उसकी टिकट के प्राइस बताते हैं। थैंक यू। अपनी बिल्डिंग में आ चुके हैं यार, अपने मैंने प्रेस कर दिया यार, यार थक जाता हूँ काम कर करके, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन तो मैं दूंगा ही दूंगा, चाहे कितना भी थकान हो शरीर पर यार, क्योंकि होटल लाइन में यार मेहनत ज़्यादा होती है, तो मेरे को मेहनत से तो डर लगता नहीं है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा भाई। गोइंग था बोल दिया। तो यार अगर आप इस चैनल पर नए आए हो ना, शेयर कर देख लो यार, छोटे भाई को अपना प्यार दिखा देख लो। अगर आप मेरे से तो शायद छोटे ही हो गए या बड़े हो गए, पता नहीं आपकी एज क्या है, बता देना जो जो इस वीडियो को देख रहा है। मेरे हिसाब से 20 से 35 साल तक की वीडियो जो एज है वो ज़्यादा देखी जाती है, तो मेरे लिए तो शायद बराबर के भाई हो, क्योंकि मेरी जो एज है 34 ईयर्स ओल्ड है। तो शेयर कर देख लो यार, इसी तरह से अपने भाई का दिल थोड़ा अच्छा हो जाए, अगर लाइक कर देख रहे हो वीडियो को, ठीक है। तो मैं रेट्स बता देता हूँ घर पर जाके। घर पर हम आ चुके हैं यार, बहुत गर्मी है बाहर, मैं कमरे में जा रहे हैं, ओए एयरकॉन भी नहीं चलाया तो एयरकॉन, यार जिंदगी का असली मज़ा तो यार जब तक एयरकॉन ना चले और उससे थोड़ी सी हवा ना ले ली जाए, जहान हो जाएगी यार। ओए यार सिंगापुर में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, इतनी भी नहीं होती लेकिन ज़्यादा ही होती है थोड़ा। और भाई दाढ़ी हो गई बड़ी, अब काटे हैं कल परसों, सो चिल्लाना मत यार, क्योंकि मुझे भी यार दाढ़ी अच्छी लगती है एक्चुअली। सो यार मैं उसको वीडियो को ब्लॉग को पूरा कर देता हूँ, ठीक है। और छोटे भाई को प्यार दिखाते रहो, बड़े भाई को यार मैं आपको एक से एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, जितना टाइम होता है उतने। मेरी आंखें देख रहे हो ना कितनी लाल हो रही है, काम काम कर करके यार, मैं यार मेहनत से कभी डरा नहीं, लेकिन मैं आपको, मेरा ये एक मिशन है कि हर किसी को इन्फॉर्मेशन सही मिल सके। यार मेरे ज़माने में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी यूट्यूब पर, अब तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए आपका भाई आ चुका है। सो कंटिन्यू, बताया था मैं प्राइस बता देता हूँ आपको, कौन कौन सी वीज़ा के टिकट कितनी है, ठीक है। सो देखो ऐसा है, 16 जुलाई से तो आप उड़ ही सकते हो। अब जो वीज़ा के टिकट के जो प्राइस है ना, विस्तारा है 10,000 से 20,000 के बीच, 10,902 रुपये भी है, 16,992 रुपये भी है। अब मैं यार उस जहाँ से आपको एक लिंक दूंगा वेबसाइट का नाम, वहाँ पर जाके आप अप्लाई भी कर सकते हो, उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, मैं दे दूंगा। और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है उसकी जो टिकट है 14,804 रुपीज़, और फ्लाई दुबई है 23,000, एमिरास 39,000, इंडिगो 1500। अपनी इंडिया की जो एयरलाइंस हैं वो 10 से 20,000 के बीच में, और जो वहाँ की लोकल एयरलाइंस है, कतार एयरवेज है 65,000 के, लुफ्साना जो एयरवेज है वो 3,80,000, शायद जो बिजनेस क्लास टिकट्स हैं वो थोड़ी भर चुकी हैं, लेकिन जो इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं जो 10 से 20,000 रुपये में आपको हो जाए। तो इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट स्टार्ट एक्सेप्टिंग द बुकिंग फ्रॉम इंडिया टू दुबई फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, सो आई मीन 15 तारीख से आप फ्लाइट कर सकते हो। वीज़ा कैटेगरी मैंने बता दी है। अब आपको वीज़ा के लिए कैसे मिलना है, मैं उसका जो लिंक है ना वो अभी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो यही एक मेरे एक भाई की छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार देख रहे हो, पुराने हो तो शेयर लाइक कर देख लो, ताकि इस भाई का दिल को सपोर्ट मिल जाए। और बहुत बहुत क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत एक मायने रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।